बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसे डिस्कस करते हैं। वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। हमें वेरीफाई करना है बोथ साइड इक्वल, प्रूफ करनी है हमें। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। सही, हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + 2i डिवाइड बाई 3 - 4i, सही, प्लस 2/5। मैंने कल बताया था आपको कि हमारे पास मैथ्स में आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, सही। लेकिन हमारे पास क्या है, ये वैल्यू तो ठीक है, इसमें आयोटा नहीं है, लेकिन किस वैल्यू में आयोटा आ गया, इस वैल्यू में हमारे पास आयोटा आ गया है। तो हमें यहाँ से आयोटा ख़त्म करना है। आयोटा कैसे ख़त्म किया जाता है, कल हमने सीखा था। जो वैल्यू हमारे पास नीचे होती है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ वही काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस वैल्यू को 3 - 4i वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाऊँगी इसी के कॉन्जुगेट से, और डिवाइड भी करवाऊँगी इसी के ही कॉन्जुगेट से। ठीक है, +2/5 एज इट इज़, सही, क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके साथ हमको काम नहीं करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे हम इस वैल्यू से। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो रही है, और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो रही है। जब ऊपर वाली हमारे पास ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं हम, और नीचे वाली वैल्यूज आपस से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं, सही, +2/5 एज इट इज़। अब क्या, नीचे वही हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, बस साइन अपोजिट है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होता है, a - b a + b इज इक्वल्स टू a² - b²। देखें, a - b a + b इसके बराबर हो जाएगा a² - b² के। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। पहले 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 आयोटा से, तो यही आंसर आ जाएगा। जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 3, जब 1 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 4 आयोटा, सही। अब 2 आयोटा को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 आयोटा को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा, सही, प्लस 2 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 4 = 8 आयोटा² आयोटा² हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a² - b² ए की वैल्यू क्या है, 3 का² - 4 आयोटा² +2/5 एज इट इज इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 - 4i + 6i = 10i + iota² आ गया। iota² की जगह हम क्या पुट करते हैं हमेशा, -1 पुट कर दिया मैंने, 3 का² 9, -4 के ऊपर भी स्क्वायर है, iota पर भी स्क्वायर है, 4 का² 16, iota² हो जाएगा, +2/5, सही, 3 + 10i + -8 - 8/9 -iota² आ गया। iota² की जगह क्या पुट करते हैं हमेशा, -1 पुट करते हैं, 2/5, ठीक है। फिर 3 - 8, 3 को 8 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस होंगे, 3 में से 8 माइनस किए, -5, सही, और हमारे पास क्या है, +10i एज इट इज। ठीक है, नीचे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 9 एज इट इज, -16 - 16, ठीक है, +2/5। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों वैल्यूज में से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 की टर्म में 5 भी आता है और 10 भी आता है, 5 + 10, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 हम कॉमन लेंगे, मेरे पास क्या रहा, -5 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 1, क्योंकि 5 - 5 होता है, सही, प्लस 5 की टर्म में 10 कहाँ पर आता है, 2 पर, 2 आयोटा, 5 + 10 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 16 25 हो जाएगा, सही, +2/5 कैंसिलेशन हो रही है, 5 + 5 5 + 5 = 25 लिख देते हैं हम, -1 + 2i / 5 + 2/5, ठीक है, इसमें यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा इसका, सेम वैल्यूज़ हैं तो 5 LCM आ जाएगा इसका, ठीक है, 5 LCM आ गया मेरे पास। जब नीचे सेम वैल्यूज़ हों, उसका LCM वही आ जाए, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। तो ऊपर वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 + 2i + 2, ये एज इट इज़ आ गई, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1 2 के साथ सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू के साथ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता,
माइनस वन प्लस टू, टू में से वन माइनस किए वन बचा मेरे पास, प्लस टू आयोटा एज इट इज ओवर फाइव, मेरे पास सिंप्लीफिकेशन हो गई और नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। हमें प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखें थोड़ी सी मिलती जुलती है, बस एक चीज़ का फर्क आ गया, नीचे यहाँ पर आयोटा है, सही, नीचे क्या आ गया आयोटा। मैंने क्या कहा था, मैथ्स बर्दाश्त नहीं करता नीचे आयोटा को, लेकिन ये क्योंकि वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई है, मतलब हमें जो करना है वो लेकर आना है आयोटा। अब क्वेश्चन में ही उन्होंने कह दिया कि आप डिनोमिनेटर में लेकर आए आयोटा, तो हमें लाना है। अब मुझे क्या चाहिए, फाइव के साथ आयोटा चाहिए, मतलब मेरे पास किसी से कमी है, यहाँ पर आयोटा नहीं है, तो मैं यहाँ आयोटा कैसे लेके आऊँगी, डिवाइड में आयोटा है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँगी जब आयोटा से, तो फाइव के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, सही। तो मैं यहाँ लिखूँगी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं हम, सही, इज इक्वल्स टू वन प्लस टू आयोटा डिवाइड बाय फाइव, इससे हम मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं और इससे हम डिवाइड भी करवा रहे हैं, सही। अब ऊपर पूरी वैल्यू हमारे पास आयोटा से मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू आयोटा से मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, प्लस जब टू आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टू आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय फाइव आयोटा एक साथ आ गया, देखो फाइव आयोटा तो आ गया, सही। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, आयोटा स्क्वायर से हम माइनस वन पुट कर देते हैं, आयोटा प्लस टू इंटू माइनस वन ओवर फाइव आयोटा, सही। आयोटा प्लस माइनस माइनस टू वन जा टू ओवर फाइव आयोटा, चेक कर लें जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ, प्रूव हो गया, सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है, इसकी तरफ मूव करते हैं। इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करनी है वही, वेरीफाई करना है हमें, बहुत सारे इक्वल प्रूफ करनी है, कंसीडर करनी है हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमारे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, रूट टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा रूट टू आयोटा माइनस वन, ठीक है, मेरे पास ये रहा क्वेश्चन, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सही। ये एज इट इज रूट टू माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस ये आयोटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इस आयोटा को मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, रूट टू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इस आयोटा को मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, आयोटा वन जा आयोटा, ठीक है, इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर देते हैं। अब देखें, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमेशा माइनस वन के इक्वल होता है, सही। रूट टू माइनस आयोटा एज इट इज प्लस रूट टू आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस वन, सही, माइनस आयोटा एज इट इज, फिर रूट टू माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस रूट टू वन जा रूट टू माइनस आयोटा, प्लस का रूट टू माइनस का रूट टू कैंसिल हो गए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, माइनस आयोटा कितने आयोटा हो गए, माइनस के टू आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आई, यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारे पास प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ, सही। इसमें क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन ही नहीं थी आयोटा वाली, तो क्या हम उसे खत्म करते हैं, अब तक जितने हमने क्वेश्चन ऐसे किए थे कि डिनोमिनेटर से हमें वैल्यू को ख़त्म करना था आयोटा वाली, उसमें हमने ये किया, आयोटा की वैल्यू गिवन थी पहले, आयोटा हमने ख़त्म किया तो हमारा वो आंसर नहीं आया जो क्वेश्चन में था, तो हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, फिर मेरे पास आयोटा आ गया, सही। इससे अगला क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.